सपा की किसान महापंचायत महापंचायत में अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए महेश जाधव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेश, आज सपा की तरफ से किसान महापंचायत का आयोजन होना है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है और क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं सपा की तरफ से? जी बिल्कुल, ये देखिए जो आज जो महापंचायत होने वाली थी ये 3 तारीख को होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणवश जो अखिलेश जी का प्रोग्राम इसमें नहीं मिल पाया था उसकी वजह से ये 5 तारीख को प्रस्तावित की गई थी। और 5 तारीख को आज लगभग 1 बजे के लगभग ये जैसे जानकारी मिल रही है उसमें अखिलेश यादव इसमें शिरकत करेंगे। सड़क मार्ग के जरिए सैपई से वो आकर के सीधे यहाँ पे आएंगे और इसको लेकर के कई दिनों से यहाँ पे तैयारियां चल रही थी। दूसरी बात मैं बता दूं, ये जाट बाहुल इलाका है जिस जगह ये पंचायत होनी है और इसको लेकर काफी अहम माना जा रहा है। जो किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें जाटों की भूमिका बहुत बड़ी सराहनीय रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आगामी जो पंचायत चुनाव होने हैं उन सभी को लेकर के ये जो सभा हो रही है इसको बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी महेश, कहा यह भी जा रहा है कि काफी तादाद में किसानों के जुटने की उम्मीद है, इसके साथ ही इंतजाम भी काफी अच्छे किए गए, खान पान की भी तैयारी कर ली गई, इसके साथ ही महिलाओं के बैठने के लिए अलग से जगह भी वहां पर बनाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो जाट आंदोलन जब जब चला है, जब जब जिस जगह ये सभा हो रही है वहां कई आंदोलन हो चुके हैं इससे पहले भी, तो उनको लेकर के इस तरह की तैयारियां वहां हमेशा रही हैं, उसमें किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ साथ बच्चों के भी आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बच्चे जो है जो जाट बाहुल इलाका है वहां के बच्चे इनसे राजनीति में ज्यादा पसंद करना आना पसंद करते हैं, तो लिहाजा इन सब चीजों को लेकर के माना जा रहा है कि इसमें महिलाएं बच्चे और सभी बुजुर्ग वगैरह काफी बड़ी संख्या में आ सकते हैं। जी महेश, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी प्रशासन ने कल भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया वहां जाकर के, क्योंकि उन्हें भी अंदेशा है कि भीड़ काफी बड़ी संख्या में आ सकती है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन कराना है। उसको लेकर के अधिकारियों ने जो इसके आयोजक हैं उनको भी इस बात के लिए जानकारी दी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन होना चाहिए, तो लिहाजा इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से भी काफी व्यवस्था की गई है। अब ये 1 बजे के लगभग सभा प्रस्तावित है जो जिसमें अखिलेश यादव के आने के बाद ये सभा चलेगी। बिल्कुल महेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।